हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो? तो हम पिछली कक्षा में क्या कर रहे थे? क्या किया था सब बच्चों को पता है? हमने पिछली कक्षा में क्या किया था? हमने पिछली कक्षा में किया था घन। ठीक है, तो आज हम करेंगे घनमूल। क्या करेंगे? घनमूल। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे घनमूल। ठीक है, सभी बच्चों को भाज्य गुणनखंड करने तो आते ही है ना? सब बच्चों को पता है जब हमने वर्गमूल किया था वो भी अलग अलग तरीकों से किया था, ऐसे ही हम घनमूल भी अलग अलग तरीकों से करेंगे, अलग अलग विधियों से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तैयार है सारे बच्चे? अपनी कॉपियां खोलो सारे बच्चे, पेन उठा लो। चलो, पहली विधि हम करेंगे बार बार घटाकर। घनमूल निकालेंगे बार बार घटाने की विधि से। बार बार घटाने की विधि से। ठीक है बच्चों, लिख लिया सब बच्चों ने? लिख लिया? अब लिखेंगे हम घनमूल निकालेंगे 343 का। ऐसे करके वर्गमूल वाला साइन पाके, चिन्ह पाके यहां लिखते हैं 3। इसे कहते हैं घनमूल। ठीक है, कैसे करेंगे? एक नोट लिखो पहले, सारे बच्चे लिखो नोट। बार बार लिखो, बार बार घटाने की विधि में बार बार घटाने की विधि में हम क्या क्या घटाते? देखो सारे, एक, सात, 19, 37, 61, 91, 127, ऐसे निकालते हैं। इसको निकालने का बच्चे फॉर्मूला लिखो, सूत्र लिखो, क्या होता है? एक जमा एन, ब्रैकेट शुरू, एन घटा एक गुना 3। ये सूत्र है। ठीक है, जैसे मान लो हम एक बारी लेते हैं एन एन एक। सारे बच्चे देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखो सारे इस फॉर्मूले को। लिख लिया ये फॉर्मूला सबने? अब ये दिख रहा है आपको, मैंने ये एन की जगह क्या लिखा है? एन को क्या भरूंगी मैं? एन की जगह एक। ठीक है, तो भरो सारे बच्चे, पहले अपने अपनी कॉपी पे भरो। एक जमा एक, एक घटा एक गुना 3। एक में से एक गए कितना होता है? 0। और अगर हम किसी भी चीज को 0 से गुणा करें तो क्या आता है? 0। अगर उसी चीज में एक में 0 जमा करें तो क्या आएगा? क्या आएगा?
एक में 0 जमा करे तो क्या आएगा? एक, तो आ गया ना हमारा एक। देखो यहाँ पे आ गया, एक है ना, ठीक है, समझ में आ गया, चले आगे। चलो अब आपने क्या करना है, अब आपने एन की जगह क्या भरना है, 2। एन बराबर है 2, भरो एन की जगह 2, भरो 2, एन की जगह 2 भरो बच्चों, मैं देखती हूँ क्या उत्तर आएगा बच्चों का। भरो एन की जगह भरो 2। सारे बच्चे करो, बातें नहीं करनी, मैं देख रही हूँ कौन बच्चा कर रहा है बातें और कौन काम कर रहा है, फटाफट करो, कौन फर्स्ट आएगा देखते हैं। देखो 1, 1 जमा 2, 2 घटा 1 गुना 3, 1 जमा 2, 2 में से 1 गए कितने होता है, 2 में से 1 गया 1। अब इसे गुणा कर लो, 2 गुना 3 कितना होएगा, 6, 2 तिया 6, 1 जमा 6 कितना होएगा, 7। तो ये आ गया मेरा 7, देखो आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा, 7, ये रहा 1, है ना। आ रहा है ना समझ में, आ गया। देखो अब घटाएं ऐसे ही आप, अब बच्चे सारे एन की जगह एक बार 3 भरो, ऐसे ही एन को 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भर के निकाल लो। देखो 3 भरो, 3 भरने पर क्या आएगा, देखो एन को 3 भरो फटाफट, भरो फटाफट एन को 3, एन बराबर है 3 भरो, भरो एन को 3, भरो 3, देखो कैसे भरेंगे, 1 जमा 3, 3 घटा 1 गुना 3, 1 जमा 3, 3 में से 1 गए कितने होते हैं, 3 में से 1 गए, 3 में से 1 गए, हाँ हाँ 2। अब 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 और 1 19, आ गया ना 19, आ गया ना। ऐसे अब एन को 4 भरो, एन बराबर है 4, भरो भरो बच्चों, भरो मेरे प्यारे बच्चों, भरो। अब भरो फटाफट, फटाफट से करो रजे, एन बराबर है 4 भरो, भरो देखो 37 आया या नहीं आया, देखो
आ गया 37। आया नहीं? देखो, 1 जमा 4, 4 घटा 1 गुना 3, 1 जमा 4, 4 में से 1 गया 3, 1 जमा 4 तीये 12, 12 तीये 12 तीये 36, 36 और 1 37। आ रहा है सबको समझ में? सबके आंसर निकल रहे हैं, उत्तर निकल रहे हैं सबके? निकल रहे हैं उत्तर सबके? सबके अब एन की जगह पे क्या भरेंगे? 5 भरो, एन की जगह पे 5। एक जमा 5, 5 घटा 1 गुना 3 क्या आ जाएगा? 1 जमा 5 गुना 4 गुना 3, 1 जमा 5 का 20, 20 दिया 60, कितना आ गया? 61। कितना आ गया? 61। ऐसे ही निकालने हैं। अगर आपके पास निकालने का टाइम नहीं है तो आप ये लाइन याद कर सकते हो, ठीक है ना? अगर आपके पास निकालने का टाइम नहीं है तो आप ये याद कर सकते हो, ठीक है बच्चों? चलें आगे, चलें। उतार लिया सबने? चलो अब हम क्या भरेंगे? अब भरेंगे एन बराबर है 6। 1 जमा 6, 6 घटा 1 गुना 3। 6 घटा 1 गुना 3। तो निकाल लो, 1 जमा 6, 6 में से 1 गए 5, 6 5 30 दिया 90, 90 और 1 91। ठीक है, आ रहा है ना सबको समझ में? अब एन की जगह भरो 7, भरो 7,
आंसर बताओ मुझे भर के। अरे एक जमा सात, सात घटा एक गुना तीन। एक जमा सात, सात में से एक गए छः गुना तीन। एक जमा क्या आएगा सारा गुना करके? सात छः एक 42। बयालीस तिया 126, क्या आ गया? 127। देख रहे हो ना हमारा वही सीक्वेंस चल रहा है, वही क्रम चल रहा है। 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127। ऐसे ही अब एन बराबर है 8 पे निकालो रजे। सब बच्चे ऐसे निकालते रहेंगे तो उत्तर आ जाएगा। एक जमा आठ, आठ घटा एक गुना तीन। एक जमा आठ, आठ में से एक गए सात गुना तीन। सातिया 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो क्या आ गया? 100। क्या आ गया? 169। पता चल गया बच्चों कैसे करना है आपने, कि नहीं पता चला आपको? पता चला सब बच्चों को? आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया सब बच्चों को? क्या देखो क्या करना है हमने बार बार घटाने की विधि में। तीन सौ 43 में से पहले घटाओ एक, क्या आ गया? 342। फिर घटाओ सात, सात है कि 17 है? सात है। ऐसे घटाओ 335, फिर घटाओ 19। घटाओ देखो, निकालो सारे ऐसे, जब तक जीरो नहीं आता तब तक घटाओ जैसे वर्गमूल में किया था। करो फटाफट, मैं देखती हूँ कौन बच्चा सही करता है कौन नहीं। करो फटाफट बच्चों, सारे बच्चे कर रहे हैं ना? सारे बच्चे कर रहे हैं ना? तीन सौ 35 को 19 से घटाओ कितना आ गया? 316। फिर 37 घटाया तो क्या आ गया? सबका आ रहा है, उत्तर मिल रहे हैं सबके। फिर 61 घटाओ, 218। फिर 91 घटाओ, 127। फिर 127 घटा दिया, आ गया 0। गिनो कितने सीक्वेंस हुए, कितने क्रम करने पड़े हमें, कितने क्रम करने पड़े? एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो यानी कि इसका घनमूल क्या आ गया? सात। देखो ध्यान से,
देखो देखो, अरे सबको सही लग रहा है। आ गया आ गया सबको समझ में। चलो अब आप निकालो बच्चों फिर। 512, 512 512 का निकालो बच्चों, वही घटा घटा के बार बार। निकालो निकालो बच्चों। शुरू किया निकालना। पांच सौ बारह में से पहले क्या घटाया? 512 में से पहले क्या घटाया? एक। पहले क्या घटाया? एक। क्या आ गया? 511। उसके बाद क्या घटाओगे? सात घटाओ। 511 में से सात घटाओ रजे, कितना आ गया? कितना आ गया बच्चों का? 504। 504 में से फिर 19 घटाओ, कितना आ गया? 485। 485 में से फिर 37 घटाओ, कितना आ गया? 448। फिर 61 घटाओ, तीन सौ सतासी। फिर 91 घटाओ, 296। फिर 127 घटाओ, 169। फिर 169 घटाओ, 0। घटाओ फटाफट।
फटाफट घटाओ, उत्तर बताओ कितने हो गए अब। कितने कर्म हुए? गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो क्या आ गया इसका घनमूल? आठ। आठ इसका क्या आ गया? उत्तर। ठीक है, अब हम करेंगे अब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड से घनमूल। अभाज्य गुणनखंड से घनमूल, ठीक है? ठीक है बच्चों, ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड तो सब बच्चों करने आते ही हैं। देखो, अभाज्य आप निकालो बच्चों, एक तीन आठ दो चार का घनमूल। निकालो, निकालो फटाफट। तेरह हजार 824 के भाज्य गुणनखंड बनाओ। बनाओ अभाज्य गुणनखंड। पहले दो से भाग करो, करो करो भाग।
क्या आएगा भाग करके? 6912 आ गया। पीछे लास्ट में दोबारा से अंत की संख्या 2 है, फिर दोबारा से 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा? करो भाग। 3456। फिर दोबारा से किससे भाग करेंगे? दो से, क्या आएगा? 1728। क्या आएगा दो से भाग करने पे? 1728। सब बच्चों का आ रहा है ना? करो दोबारा से, निकालो। निकालो बच्चों। फिर दोबारा से 2 से भाग करो, क्या आएगा? 864। ये आ रहा है सबको? सबका आ रहा है? फिर 2 से करेंगे, आएगा 432। फिर 2 से करेंगे, आएगा 216। फिर 2 से करेंगे, आएगा 108। सबने निकाल ही लिया होगा अब तो, सारे अपना उत्तर मिला रहे हैं ना। जो बच्चे बीच में नहीं कर रहे वो भी करो बच्चों, सब बच्चे करेंगे मेरे साथ। अब ये देखो, 27, 2 पे तो जाने से रहा, तो हमें पता है 3 के पहाड़े में आता है 27। 3 आए 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। सब बच्चों के बन गए हैं भाज्य गुणनखंड। देख लिए? अब देखो घनमूल कैसे निकालते हैं। इसको हम इसके 3 3 के जोड़े बनाओ। देखो ये एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। दो दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 तिया 24। तो इसका घनमूल क्या आ गया? 24।
अब हम निकालेंगे घनमूल 729 गुना 216। घनमूल निकालो। कैसे निकालेंगे घनमूल? पहले तो सबसे पहले जब भी घनमूल निकालेंगे इसे घनमूल के साइन में चिन्ह में जरूर डालना है, नहीं तो घनमूल माना नहीं जाएगा आपका कि आपने घनमूल निकालना है। 729 गुना 216, ये तो वर्गमूल का चिन्ह है, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो हमारा घनमूल बनता है। अब 729 के भाज्य गुणनखंड बनाओ। बनाओ 729 के, और एक बनाओ 216 के। चलो 729 के बनाओ। अब 729 के अंत में क्या है? नो, तो 2 से तो भाग होगा नहीं, तो हम किससे भाग करके देखेंगे? 3 से। तो 3 से भाग करी हमने, क्या आ गया? 243। अब फिर 3 से करके देखेंगे, 3 8 24, 3 1 कम 3। फिर दोबारा से देखो 3 पे जाता है या नहीं जाता, करो फटाफट बनाओ इसके भाज्य गुणनखंड, फटाफट बनाओ इसके भाज्य गुणनखंड। बनाओ फटाफट। बनाओ, कितना आ गया यहाँ पे? 27। फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। कितना आसान था, सब बच्चों का सही है, सब बच्चों का सही है। कि नहीं सही? तो 216 किस पे जाएगा? पहले 2 पे, 108, फिर 2 पे 54, फिर 2 पे 27। सबका यही आ रहा है ना? सबका यही आ रहा है? चलो आगे। अब नाइस 27, 3 3 9, 3 1 3। अब हम क्या करेंगे? घनमूल निकालो।
729 का, 729 का आएगा, 3 × 3 9, 216 का आएगा, 2 × 3 कर लिया बच्चों ने, ये कि नहीं किया? करो फटाफट। क्या आएगा? 9 × 6, 6 9 कितना हो गया? 54। ये क्या आ गया मेरा? आ गया फोकस सेवन कि नहीं आया? आ गया। इतने सारे होमवर्क लिखो, क्या करके आओगे घर से? होमवर्क लिखो, एक इसका घनमूल निकाल के लेके आओगे, 343 × 64,